आपको 15 साल की उम्र में आपके पीर ओ मुर्शिद का चेहरा नज़र आया करता था। आपके पीर ओ मुर्शिद ने आपके पहुँचने के पहले ही बता दिया कि एक चांद से टुकड़ा आने वाला है। ऊपर ताबीज़ होता है, देखिए मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ कि नीचे की तरफ यहाँ पर एक बारगाह मुबारक मज़ार मुबारक हो रही है। मैं ये सीढ़ी से नीचे की तरफ आया हूँ और ये नीचे की तरफ मैं आ करके ये है कि उनका है जिन्होंने सरकार की हयात में सरकार का आस्थाना बनाए थे। और हम नाजरीन, ये आलीशान दरबार हज़रत दादा सरकार शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह का है। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों को दादा जान के करामत बताऊंगा, साथ ही आपकी दरगाह शरीफ किस जगह पर है और आपका उर्स मुबारक कब मनाया जाता है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को सवाब की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो हजरात किसी मजबूरी की वजह से दरगाह ज़ियारत को आ नहीं सकते तो उन्हें घर बैठे ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख दिल से गैर मकदूम हूँ आपका शाने वाली करामाते औलिया में। नाज़रीन, आप जो हमारे सामने ये बारगाह मुबारक देख रहे हैं, ये बारगाह मुबारक हज़रत दादा सरकार शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुबारक है। आप बारगाह मुबारक का इयाता भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इयाता है यहाँ पर और बारगाह मुबारक भी काफ़ी कदीमी और शानदार बारगाह मुबारक है। आपको जैसे कि गुंबद नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, ये बारगाह मुबारक सरजमीन महाराष्ट्र के नंदूरा सिटी में है, नंदूरा शहर में ये बारगाह मुबारक है। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको जो बारगाह मुबारक की है वो अंदर से ज़ियारत कराता हूँ कि बारगाह मुबारक किस तरीके से बनी हुई है, कितनी खूबसूरत बारगाह मुबारक है यहाँ पर। नाज़रीन, आप ज़ियारत कर सकते हैं, दरगाह शरीफ का गुंबद है और ये दरगाह शरीफ है सामने और ये दरगाह शरीफ का इयाता है, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इयाता है और ख़ूबसूरत है और एक पुरसकून का माहौल है नाज़रीन यहाँ पर। आइए मैं नाज़रीन आपको दरगाह शरीफ के अंदर से ज़ियारत कराता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये हर बारगाह मुबारक ऐसा सामने की तरफ होती है और जो असली मज़ार मुबारक होती है नाज़रीन, वो असली मज़ार मुबारक कभी भी नीचे की तरफ होती है, ऊपर ताबीज़ होता है। देखिए मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ कि नीचे की तरफ यहाँ पर एक बारगाह मुबारक मज़ार मुबारक ओरिजिनल असली मज़ार मुबारक यहाँ पर है और यहाँ से मज़ार मुबारक पर जाने का नाज़रीन ये रास्ता है। यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर है तुफैल भाईजान, उनके ज़रिए से आए हुए हैं। मैं वीडियो में इंशाल्लाह आके उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। तो फिल भाईन ने हमें यहाँ का दावतनामा दिया हुआ था कि यहाँ पे भी काफ़ी सारी बारगाह है, तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में नंदूरा की काफ़ी सारी मज़ार मुबारक की ज़ियारत की वीडियो आएगी नाज़रीन। देखिए मैं ये सीढ़ी से नीचे की तरफ आया हूँ और ये नीचे की तरफ मैं आ करके ये नाज़रीन ये आपके सामने मज़ार मुबारक, आप भी ज़ियारत कर सकते हैं मज़ार मुबारक की नाज़रीन। तो नाज़रीन, जो बारगाह मुबारक की जो मालूमात है, बाकी की मालूमात है, हम वो आपको कुछ मालूमात हासिल करके इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं नाज़रीन तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को सवाब के लिए नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हजरात किसी वजह से यहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से ज़ियारत को आ नहीं सकते तो ना हजरात को ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए घर बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ पठान, नाचीज़ खाकसर दादा शाहनाथ का खाकसर, मेरे दादा फिर शहनशाह नांदूरा, हाजी हजरत शाहनाहतुल्ला चुश्त रमतला आल, हाजी साबरी चुश्त कादरी नक्शबंदी साहिब रू साहिब मज़ार मतला आल। आपको 15 साल की उम्र में आपके पीर ओ मुर्शिद का चेहरा नज़र आया करता था। आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपके पीर ओ मुर्शिद की तलाश में आप नज़र करते ढूंढते ढूंढते आपको कई साल के बाद शहर बालापुर पहुँचे। आपके पीर ओ मुर्शिद ने आपके पहुँचने के पहले ही बता दिया कि एक चांद से टुकड़ा आने वाला है,
ये प्याला उनके लिए है और बस सभी आते होंगे। सरकार जब किफ़ायत खानका में बालापुर पहुँचे, आपने अपने पीर मुर्शद का चेहरा देखते हुए आवाज़ दी या पीर अलमदद करके और नीचे बैठ गए। आपके पीर मुर्शद उठकर आपको उठाकर आपके सर पर से हाथ फिराकर बैठाया और आपको लब देके प्याला पिलाया और उसके बाद आपको बांदा शरीफ ले गए। बांदा शरीफ से आपकी रवानगी नांदूरा शरीफ की आ गई। जब से आप नांदूरा शरीफ में हैं, आपका 15 फरवरी को संदल होता है और इस नाचिस के घर से निकलता है और 16 का उर्स रहता है, समा रहती है और 17 में आपके फातिया रहता है। आपके पीर मुर्शद बांदा शरीफ है। आपके पीर मुर्शद का नाम हाजी किफ़ायतुल्ला शाहुल रहमतुल्लाह है और आपके दादा पीर भी बांदा शरीफ में है, हाजी कारी बरखुरदार रहमतुल्लाह। सिलसिला हेड ऑफिस अली अहमद ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन कलिया शरीफ साबिर साहब रहमतुल्लाह। नाजरीन, इस साइड में जो आस्थाना मुबारक है ये उनका है जिन्होंने सरकार की हयात में सरकार का आस्थाना बनाए थे और हम इनसे यही दुआ चाहते हैं कि सरकार का जिस तरीके से इन्होंने आस्थाना बनाया और इनको सरकार के कदमों में जगह मिली है, वैसे ही हमें सरकार के रहमोक्रम से उनका ज़र मिले और उनके ही ये दर मिले। है ये सरकार, ये दादा हजरत से ये शाइनत में चिश्ती साबरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है और इस दर का मैं खाकसार हूँ, इस दर का झाड़ू लगाने वाला खाकसार बच्चा हूँ। मुझे इनकी ग़ुलामी पे नाज है कि खुदा 100 साल मर की ज़िंदगी दे तो इनकी ग़ुलामी में दे। ये मेरे सरकार है दादा सरकार से ये शाइनत में चिश्ती, जो जर्रे को नवाज दे तो पहाड़ बना दे। मेरे सरकार की जिंदगी और मेरे सरकार की करामतें बेशुमार है। मेरे सरकार जो है साहिब मजार हयात हस्ती है और मेरे सरकार की शान में क्या कहूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्यार के काबिल शाह इनायत और मेरा चैन है शाह इनायत, नैरंग के सोते जागते में मद्दे मुकामिल शाह इनायत। चंदा कस्सा चमकता है चेहरा मेरे मुर्शिद का, देखे तो कोई आकर जलवा मेरे मुर्शिद का, और एक मैं ही नहीं शैदा मेरे मुर्शिद का, हर कोई जो आए वो दीवाना हो गया है मेरे मुर्शिद का। यह सरकार दादा सैयद शाह इनायत उल्लाह चिश्ती, आपके मदार मुबारक के अंदर यहाँ 4 मीनारे हैं और इसके ऊपर जो है सरकार का एक तावीज़ है जिसको चिश्तिया सिलसिले के अंदर बड़ी नस्बत है कि जो भी चिश्तिया दरगाह होती है ऊपर तावीज़ होता है और साबरिया सिलसिले से ये चीज़ें चलती आ रही है। बड़े ही कदीम दरगाह है और बहुत ही वक्त हो गया जब हमारे फरिश्ते भी नहीं थे, उस वक्त से ये दरगाह है और इनका साया हम पे तब से है जब हमारा शायद वजूद नहीं था। और सरकार की देनगी और नवाजिश हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही है, हमारे घराने की पीर है, नवाजिश है इनकी, इनायत है इनकी, हम तो खाकसार है, सब कुछ देनगी है इनकी। आज सरकार की नस्बत से, सरकार के करम से इस ज़माने में जो हमारी पहचान है, हमको पूरा ज़माना पूरा नांदूरा इस नाम से पहचानता है कि हम सरकार दादा सैयद शाह इनायतुल्लाह चिश्ती के खादिम खास दीवाने हैं और उनके दर के खाकसार हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए नहीं और इससे ज़्यादा हम कुछ मांगते भी नहीं, हम सरकार के बस खादिम रहना चाहते हैं, इनकी ग़ुलामी में हमारी ज़िंदगी है। तो नाज़रीन, ये थी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारी नागपुर की और गुलबर्गा की दरगाह सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, बराए मेहरबानी आप लोग वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और नाज़रीन, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह नंदूरा शहर की काफ़ी सारी बारगाहों की ज़ियारत की वीडियो आएगी, तो वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़।